सामने आ रही है उससे आपको रूबरू करवाते हैं। बड़ी और अहम जानकारी जिस वक्त निकल कर सामने आ रही है, आपको बता दें ट्रैक नहीं हो पा रही चीता नरवा की लोकेशन। आपको बता दें चीता नरवा का रेडियो कॉलर और VHF दोनों खराब हैं। कूनो नेशनल पार्क में चीता का जो नेटवर्क है वो ट्रेस नहीं हो पा रहा, लोकेशन नहीं मिल पा रही है। चीता नरवा की जो लोकेशन है वो नहीं मिल पा रही है। रेडियो कॉलर और VHF दोनों खराब हैं। कूनो नेशनल पार्क को नरवा की नहीं मिली 21 जुलाई से कोई जानकारी। नरवा को खोजने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल अब किया जाएगा। तो लगातार खोजने की कोशिश की जा रही है लेकिन लोकेशन नरवा की नहीं मिल पा रही है। अब बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा लोकेशन देखने के लिए कि आखिर नरवा कहां पर है, क्योंकि जो कॉलर आईडी है वो काम नहीं कर रही है और किसी भी तरीके से कोई लोकेशन नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते दिक्कतें हो रही हैं। और अब बताया जा रहा है कि नरवा को खोजने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होगा, जिससे पता चल पाएगा कि नरवा इस वक्त कहां पर है। अधिक जानकारी लेते हैं, सहयोगी चेतन इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। चेतन, चीता नरवा की लोकेशन ट्रैक नहीं हो पा रही है, क्या दिक्कतें सामने आ रही हैं? तरह से चीतों को लेकर कूनो नेशनल पार्क से खबरें मिलती रही हैं। अब इसमें खबर निकल कर सामने आई है कि 21 जुलाई से नरवा की लोकेशन नहीं मिल रही। ट्रैक करने की पूरी कोशिश की जा रही है लेकिन नरवा के गले में जो रेडियो कॉलर है और VHF है दोनों ही लंबे समय से खराब हो गए हैं। अब कारण बताया नहीं जा रहा कि आखिर स्पष्टीकरण क्या है, क्योंकि कूनो नेशनल पार्क में जिस तरह से इस तरह की खबरें हमेशा आई हैं, कूनो नेशनल पार्क ने हमेशा लापरवाही उनकी सामने आई है। लेकिन अब 21 तारीख से इनकी लोकेशन ना मिलना एक चिंताजनक विषय है। अब हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा, उससे इनकी लोकेशन ट्रेस की जाएगी आखिरकार लोकेशन क्या है। लेकिन हमारे सूत्र जो बता रहे हैं उसमें मौत या कूनो नेशनल पार्क से बहुत दूर जाने की अब कहीं ना कहीं आशंका लग रही है, क्योंकि 21 जुलाई से अब एक लंबा वक्त हो गया है, 19 दिन का वक्त हो गया और 19 दिन में लोकेशन ट्रैक ना होना आप ना हो पाना एक बड़ा चिंता का विषय है। ठीक है, अब ये जानकारी सामने आ रही है कि हेलीकॉप्टर की हेल्प ली जाएगी ताकि ये पता कर सकें कि कहां पर है। बिल्कुल, देखिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करने का एक बैठक में निर्णय लिया है। दिल्ली में जो गुरुवार को एक बैठक हुई थी उस बैठक में निर्णय लिया है कि नरवा की लोकेशन खोजने के लिए अब हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें दो बड़ी गलतियां सामने आई हैं भारी। एक तो ओवर कॉन्फिडेंस, जिस तरह से कूनो नेशनल पार्क है कि चीतों को टैकुलाइज करने वक्त नरवा और टिपलीसी को यह कहकर छोड़ दिया गया था कि इन्हें हम पकड़ लेंगे, यानी कि चीतों को छोड़ दिया जा सकता है और इन्हें पकड़ने की बात कहा गया है कि कभी भी पकड़ लिया जा सकता है। तो एक बड़ी लापरवाही कूनो नेशनल पार्क की ये है। दूसरी लापरवाही कि 15 जुलाई को पता चल गया था इन्हें कि नरवा की लोकेशन नहीं मिल रही और उसका जो रेडियो कॉलर है VHF है दोनों काम नहीं कर रहे, उसके बावजूद भी ध्यान नहीं दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है और ये कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार लोग हैं इनको एक लापरवाही दर्शाता है कि जब मालूम होने 15 जुलाई को मालूम होने के बावजूद भी इसकी लोकेशन ट्रेस क्यों नहीं की गई। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।